नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सीएनपी नासिक द्वारा निकाले गए जूनियर टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर के एग्जाम के बारे में। इसके एग्जाम डेट ऑफिशियली जारी कर दी गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें पोस्ट निकली थी 117 पोस्ट ऑल इंडिया से। मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे थे, 10th या ITI इसमें मांगी गई थी। तो मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताता हूँ कि इसकी एग्जामिनेशन की डेट क्या है और परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। अब हम चलते हैं सीएनपी नासिक की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर पेज पे, रिक्रूटमेंट पेज पे, जिसमें नोटिस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ रहा है आपके। ये आप 24 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस। ये इसका ये लिखा है, आप देख सकते हैं, ये नोटिस है सुपरवाइजर टेक्नीशियन ऑपरेशन प्रिंटिंग सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज असिस्ट आर्टिस्ट ग्राफिक डिज़ाइन जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप मैकेनिस्ट जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप फिटर जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप एयर कंडीशनिंग जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल। ये इनके सामने इनके कोड दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और एग्जामिनेशन डेट आपकी 17 फरवरी 2024 रखी गई है सबकी। और कुछ पेपर आप देख सकते हैं पोस्ट के हिसाब से, कुछ सेकंड शिफ्ट में हैं, कुछ थर्ड शिफ्ट में हैं। और इनके जो एडमिट कार्ड हैं, द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द अबव पोस्ट विल बी इंटीमेटेड, जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाइड किया था उनको इंटीमेटेड किया जाएगा थ्रू ईमेल या एसएमएस के माध्यम से शॉर्टली फॉर डाउनलोडिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल या एसएमएस, मोबाइल पे एसएमएस और आपकी ईमेल आईडी पे ईमेल किया जाएगा। तो जैसे ही ये लोग करते हैं मैं आपको सूचित करूंगा, वीडियो बना के प्रस्तुत करूंगा आपके सामने कि इसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। और ये लिखा है द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरियल असिस्टेंट पोस्ट कोड 4, देयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। ये एग्जाम कंडक्ट होगा सेपरेटली, दैट मीन्स आफ्टर क्वालिफाइंग इन स्किल टेस्ट, दैट मीन्स स्टेनोग्राफी टेस्ट। पहले इसका स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट, उसके बाद इसका मेन एग्जाम होगा रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। और इसके फॉर्म जो भरे गए थे 19 अक्टूबर 2023 से 18 नवंबर 2023 तक भरे गए थे। और ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग वेबसाइट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन भी यही थी इसकी। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट सिलेक्टेड सेंटर पे बताया जा रहा था जनवरी फरवरी में होंगे, तो ये फरवरी में ही हो रहे हैं आपके 17 फरवरी को। और जो आपका ये लास्ट वाला सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है, ये इसका स्किल टेस्ट पहले होगा, तो उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट बाद में होगा। तो जैसे ही इसकी कोई सूचना मिलती है तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं जिससे कि आपका एग्जाम आप सक्सेसफुल दे पाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बताते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट सीएनपी नासिक जूनियर टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर एग्जाम सेंटर 2024 की एग्जाम डेट है 17 फरवरी 2024। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है अपने एडमिट कार्ड का। जब भी आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ उसके संग लेके जाइए। आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, या पासपोर्ट या बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी एक चीज आप लेके जा सकते हैं। और ई आधार कार्ड या राशन कार्ड आर नॉट वैलिड आईडी प्रूफ है, ये वैलिड नहीं है आईडी प्रूफ, तो इनको आप मत ले जाइएगा। और फोटोकॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जाएं उसकी फोटोकॉपी अपने साथ जरूर लेके जाएं। और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएं, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करी थी वैसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएं। उसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाएं 50 ml, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाएं। मास्क और ग्लव्स लगाएं, मास्क
वियरिंग मास्क इज कंपल्सरी है, एक पेन लेके जाएं, और स्पेशल नोट फॉर फीमेल कैंडिडेट आफ्टर मैरिज, जिनकी मैरिज हो गई है उन उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल नोट है, फीमेल कैंडिडेट हु हैव चेंज हर फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम आफ्टर मैरिज मस्ट टेक स्पेशल नोट फॉर दिस। द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मस्ट कंटेन एग्जैक्टली द सेम नेम एज इट अपीयर्स ऑन द कॉल लेटर। जो आप फोटो आईडी प्रूफ देंगे और कॉल लेटर में सेम नेम मैच होना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्पेंसरी, अगर कुछ कमी पेशी पाई जाती है तो आपका मिसमैच इन नेम फोटोग्राफ और सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपको नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ, आपको तभी अनुमति दी जाएगी अगर आपने नाम चेंज कर लिया है तो, इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गजेटेड नोटिफिकेशन, अगर आप दिखाते हैं तो, देयर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं तो, एफिडेविट इन ओरिजिनल आप दिखाते हैं तो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, इनको आप रेडी कर लीजिए परीक्षा केंद्र पे ले जाने के लिए, और जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं मैं आपको वीडियो बना के प्रस्तुत करूंगा, सूचित करूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की आगे भी आने वाली गवर्नमेंट जॉब, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया सीएनपी नासिक 2023 की ऑफिशियल एग्जाम डेट जारी हो चुकी है 17 फरवरी 2024। ये का एग्जाम दो शिफ्ट में होगा, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका एग्जाम कहाँ पड़ रहा है, और परीक्षा केंद्र पर क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिसमें जूनियर टेक्नीशियन और सुपरवाइजर की पोस्ट निकली थी, 117 पोस्ट थी ऑल इंडिया से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।